क्रिसमस डे से पूर्व नॉलेज गेन स्कूल में स्कूली बच्चों द्वारा क्रिसमस के ऊपर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें प्रभु यीशु के जन्म दिवस के उपलक्ष में कई प्रस्तुतियां बच्चों द्वारा पेश की गईं, तो वहां मौजूद बच्चों एवं उनके अभिभावकों द्वारा तालियां बजाकर उनका उत्साह वर्धन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिस्टर और मिसेस जेनिफर मौजूद रहीं, जिन्होंने नाट्य प्रस्तुति कर रहे बच्चों का हौसला बढ़ाया और उन्हें पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर स्कूल के संस्थापक अरुण विजय सिंह, अभिनव डेविड, पूजा मैम और मीना मैम का विशेष सहयोग रहा और मंच पर हो रही नाट्य प्रस्तुति का संचालन ट्विंकल मैम, रजनी मैम और छात्र जुबेरिया द्वारा किया गया। स्कूल में हुए कार्यक्रम के बारे में जब स्कूल के संस्थापक अरुण विजय सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज नॉलेज गेन स्कूल में क्रिसमस का प्ले हो रहा है और जिसमें हमारे विद्यालय के सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन है और इसमें बच्चों ने बड़ी तैयारी की है। हमारे जो अध्यापिकाएं हैं उन्होंने भी इसमें तैयारी कराई है। यीशु मसीह के जन्म उत्सव को आज विद्यालय में मनाया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में हमारे विद्यालय के लगभग सभी छात्र छात्राएं थे और अभिभावक भी मौजूद हैं और इसमें मुख्य अतिथि आज के डॉक्टर एरिक हैं और उनकी पत्नी जेनिफर, वो भी आज मुख्य अतिथि के रूप में हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं। ये केवल नॉलेज गेन स्कूल में नहीं वरन समस्त संसार में बहुत धूमधाम के साथ, बड़े उत्साह के साथ ये पर्व मनाया जाता है। आज के दिन इस संसार का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। उन्होंने जन्म ले लिया क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। तो उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, मोक्षदाता प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आज के रूप उत्पन्न हो गए और हमारे पापों के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया और इस प्रकार से अब हम उस दंड से बच गए। अब वो दंड की आज्ञा हमारे विरुद्ध नहीं रही वरन उसने अपना हमें मित्र बनाया, अपना लेपालक पुत्र और पुत्रियां बना लिया उसने हमें और अब हम नहीं वरन वो हमें जीवित हैं। तो हम इस प्रकार से सब चलती फिरती पत्रियां साबित हों। प्रत्येक मसीह के लिए मेरा यही संदेश है, प्रत्येक जो यीशु के फॉलोअर हैं वो चलती फिरती पत्रियां बने जिसे लोग देखें कि वास्तव में मसीही लोग कैसे होते हैं, यीशु के फॉलोअर कैसे होते हैं, शांति प्रिय होते हैं और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले होते हैं और आत्मिक जीवन की निरंतर वो तैयारी करते रहते हैं। यही इस उत्सव का उद्देश्य है और आज बच्चे बड़े धूमधाम से, बड़े खुशी और प्रसन्नता से इस सब को मना रहे हैं। उसी को उपलक्ष्य में विद्यालय के अंदर ये एक नाटिका प्रस्तुत की जा रही है। सब सभी बच्चों का इसमें पार्टिसिपेशन है।